प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज वेजिटेबल उपमा बनाएंगे। सब सब्जियां डाल करके उपमा, वेजिटेबल उपमा बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, टमाटर, बीन्स, कैरेट, पत्ता गोभी, ग्रीन मिर्ची, मटर, हरी धनिया, नारियल, अदरक, करी पत्ता। अभी कुकर में एक दो स्पून तेल डाल रही हूँ, थोड़ा सा राई डाल रही हूँ। बीन्स, कैरेट, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अभी कुकर ढक के एक विशल लेंगे। इसको कढ़ाई में भी पका सकते हैं, लेकिन थोड़ा काम जल्दी होता है, इसलिए मैं कुकर में डाल रही हूँ। अभी एक कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म होने के बाद राई, उड़द का दाल, चने का दाल, इसको थोड़ा रोस्ट कलर फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ता, अदरक, मिर्ची, पत्ता गोभी डाल रही हूँ। इसको थाली ढक के एक मिनट पका लेंगे। देखिए कितना अच्छा ये पक गया है। जो सब्जी बॉईल किया था ना, वो सब्जी डाल रही हूँ। टमाटर डाल रही हूँ, मटर डाल रही हूँ, ये बॉईल किया हुआ मटर है। अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थाली बंद करके और दो मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए कितना अच्छा ये पक गया है। अभी इसमें नारियल डाल रही हूँ। पानी डाल रही हूँ। एक ग्लास रवा लेने से चार ग्लास पानी डालने से ठीक रहता है। 1:4 पानी डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक, पहले भी नमक डाला है, देख करके डाले। सब्जी बॉईल करने में नमक डाला था ना। अभी इसको ढक के बॉईल होने तक वेट करेंगे। देखिए कितना अच्छा ये बॉईल हो रहा है। अभी इसमें सूजी डालेंगे। एक कप में सूजी डाल रही हूँ। देखिए घुमाते घुमाते डालने से गांठ नहीं बनता है, लम्स नहीं बनता है। अभी इसको और दो मिनट के लिए स्लो में पकाएंगे। देखिए वेजिटेबल उपमा रेडी हो गया है, सब्जियों का उपमा रेडी हो गया है। इसको मैं सर्विंग बोल में निकाली हूँ। गार्निश के लिए धनिया डाली हूँ। वेजिटेबल उपमा रेडी।